आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, मैं हूं आपके साथ अंजलि। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। टीकमगढ़ जिले के बिलरियागंज थाना प्रांगण में सोमवार के अपराह्न 4 बजे उप जिलाधिकारी सगड़ी गौरव कुमार व सीओ सगड़ी प्रमोद कुमार शुक्ला की देखरेख में होली व सबेरात के पर्व को देखते हुए शांति कमेटी का आयोजन किया गया। कमेटी की अध्यक्षता करते हुए एसडीएम सगड़ी गौरव कुमार ने कहा कि होली जुम्मा के दिन पड़ रही है, इसलिए होली खेलने वालों से निवेदन है कि वह अपनी जुलूस शांतिपूर्वक निकालेंगे, प्रयास करेंगे कि किसी नमाजी के ऊपर रंग ना पड़े और साथ ही साथ कहीं होली दहन को लेकर कोई विवाद हो तो अवगत कराएं, जिसका समाधान समय रहते निकाल लिया जाए। मीटिंग में उपस्थित दोनों संप्रदाय के लोगों ने एकमत से उप जिलाधिकारी की सारी बातों को मानकर होली खेलने वालों ने 1 बजे जुलूस निकालने का निर्णय लिया, तो वहीं पर नमाजियों ने भी अपनी नमाज को समय से समाप्त करके घर के अंदर रहने का फैसला किया। इस मौके पर पूर्व चेयरमैन मोहम्मद आरिफ, तत्कालीन चेयरमैन वीरेंद्र विश्वकर्मा, भाजपा नेता राम सागर सिंह, व्यापार मंडल अध्यक्ष अमित कुमार गुप्ता, उपाध्यक्ष फैसल खान, जायका महफिल ढाबा, अलाउद्दीन प्रधान, ग्राम सभा शेखुपुर श्री प्रधान पतिडा, संजय सिंह तेंदुआ, मोहम्मद हसीब सीजा, पेट्रोल पंप संचालक करमैनी, ग्राम प्रधान करमैनी, रमाकांत गोस्वामी, अरविंद गुप्ता आदि लोग मौजूद थे। मीटिंग में पतिडा गौसपुर निवासी मोहम्मद अब्रार और बघेला निवासी नखरू राम ने अधिकारियों को समस्याओं से अवगत कराया। तत्पश्चात अधिकारियों ने भी उन्हें न्याय दिलाने का भरोसा दिलाया। न्यूज 9 भारत के लिए बिलरियागंज से रोशन लाल की खास रिपोर्ट। अगर कोई समस्या हो आप लोगों की, सर यही बिलरियागंज वाला जो हरिकार धान का है, जमीन तो सर कागज में हम लोग को पता नहीं है। मान लीजिए पहले रोक टोक थे तो हम लोग यही कहें भाई हम लोग को बेटी बेटा की शादी नहीं है, तो हम लोग भी कोई अब ऑब्जेक्शन नहीं करता है। बस रोड पर थोड़ा सा अपना एक हिंदू धर्म का परंपरा करके हम लोग भी अपने अपने घर चले जाते हैं। अब वो बात तो रह नहीं गया सर, कोई जिम्मेदार नहीं लेता है। हम लोग दो बच्चे रहते हैं, अपना थोड़ा सा जला उला के बस हिंदू धर्म परंपरा खत्म हो गया, अपने अपने घर हम लोग भी चले जाते हैं। होलिका दहन जैसे होली के एक दिन पहले होलिका दहन वही होता है उसी दिन साहब। अब होली को रेड ओल गाड़ना बंद हो गया सर, जगह है नहीं, प्रॉब्लम है जी। आज जलता था लोग रोकने लगे सब लोग, तो सर जैसे रोड है, रोड पे एक किनारे अपना जो है हम लोग थोड़ा सा जला लेते हैं सर। तो अब नहीं, पहले तो लोग रोकते थे, बीच में लोग एकदम हम लोग को भगा दिए, हम लोग अपने अपने घर चले गए। फिर किसी तरह से बुलाए लोग, तो फिर हम लोग आए अपना जलाए। हम लोग कहे भाई हम लोग के घर का कोई शादी उदी नहीं है, आप लोग अगर जलाने देंगे चलेगा। बगल वाला भी लड़का दो हम लोग उसे झगड़ा किया, फिर भी हम लोग कुछ नहीं कहे। हम लोग एकदम रोड पर समझ लीजिए बीच रोड में आप जला देते हैं अपना, कोई रोकता नहीं सर। 2 साल से तो यही हो रहा है सर, अब आगे क्या होगा। तो होलिका वाली जमीन कहाँ है सर, हम लोग यही पता नहीं पा रहे हैं। अब हम लोग भी छोड़ देंगे तो ख़त्म हो जाएगा, बस यही समस्या सर। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ न्यूज 9 भारत पर। अब चाहूँगी इजाज़त, नमस्कार।